हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं, वो है कॉस 4x इक्वल्स टू कॉस 2x। इनके जनरल सॉल्यूशंस निकालने हैं, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, कॉस 4x माइनस इधर आके कॉस प्लस इधर आके माइनस इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। अब देखिए दोस्तों, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लग रहा है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का हमने फॉर्मूला देखा है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां भी हम माइनस टू साइन सी प्लस डी मीन्स 4x प्लस 2x, 6x बाई टू, 6x बाई टू इंटू साइन 4x माइनस 2x, 2x बाई टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अब क्या होगा, माइनस टू को हम उधर ले जाके जीरो कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, साइन 3x इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो अब क्या होगा, इधर साइन एक्स, साइन थ्री एक्स इक्वल्स टू जीरो और साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था कि लास्ट वीडियो में, कि साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो होता था, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता था दोस्तों, एन पाई। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई, तो यहां पे थीटा की जगह पे क्या है, थ्री एक्स, तो देयरफॉर 3x इक्वल्स टू कितना हो गया, n पाई। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, n पाई बाई 3, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है ना कि 3x की। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू सीधा n पाई हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये जो फॉर्मूले हमने पीछे हमने किए हैं, बार बार हमने इस तरह के फॉर्मूले को यूज किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जरूर फार्मूला आप याद करिए, फार्मूला को देखिए, क्योंकि इस फार्मूले के बगैर कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आ रहा होता है, आप क्वेश्चन जानते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि फार्मूले आपको याद नहीं होते, उस वक्त आपको बहुत अफसोस होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप ना आ जाए, इसलिए ज़रूरी है कि आप जितने भी फार्मूले हैं, अभी तक हमने जितने फार्मूले डिस्कस किए, उसको ज़रूर देखिए, उसको याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है दोस्तों, तो कॉस सी और डी वाले में हमने ये देखा है कि किसी भी, जब कभी भी तीन एंगल्स इन्वॉल्व हो, तो हम देखते हैं कि किसी दो का एवरेज निकालने पे अगर तीसरा आ जाता है, तो उसी दोनों का हम पेयर बनाते हैं। तो जैसे अगर हम देखें, तो एक्स और टू एक्स का अगर एवरेज निकालें, तो क्या होगा, एक्स प्लस टू एक्स, एवरेज मीन्स डिवाइड बाई टू, कितना हो गया, थ्री एक्स बाई टू, तीसरा नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों का, तो 3 और 2 5x बाई टू, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको इसको, तो 3x प्लस एक्स प्लस एक्स बाई टू, तो क्या 4x बाई टू मीन्स 2x, तो ये बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल गया कि कौन से दो पेयर को हम एक साथ लेना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को हम देखते हैं, तो क्या हो जाए, cos c प्लस डी, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 cos c प्लस डी, 3x प्लस एक्स 4x बाई टू इंटू cos c माइनस डी, 3x माइनस एक्स 2x बाई टू, माइनस कॉस 2x इक्वल टू जीरो। तो ये 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा हमारे पास, 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों, cos 2x, cos 2x कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, cos 2x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या बचा, 2 cos
एक्स माइनस इसकी जगह पे क्या बचा वन इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, इधर कॉस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो और टू कॉस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो कॉस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो में हमने देखा है दोस्तों कि कॉस थीटा इक्वल्स टू अगर जीरो होता था तो थीटा इक्वल्स टू टू एन प्लस वन और ये पाई बाई टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के जगह पे हमारे पास 2x है, तो दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 और पाई बाई टू। तो x के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो अब डिवाइड में चला जाएगा, तो देयर फोर एक्स इक्वल्स टू होगा 2n प्लस 1 और ये पाई बाई फोर। एक तो हमारा आंसर ये निकल आया, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू कितना होगा वन, तो देयर फोर कॉस एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू, ठीक है। अब कॉस एक्स में, कॉस में वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस में वैल्यू होती है कॉस एक्स इक्वल्स टू वैल्यू होती है कॉस थर्टी डिग्री, कॉस सिक्सटी डिग्री की, तो कॉस इसको लिख सकते हैं पाई बाई थ्री, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहां पे देखिए दोस्तों हमने देखा था एक और फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता था टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला हमारा होता था, ठीक है। तो यहां पे अल्फा की जगह पे हमारे पास है पाई बाई थ्री, ठीक है। तो इसका मतलब कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पाई बाई थ्री, वेयर n इज ऑफ i। एक आंसर हमारा ये निकल आया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे साइन 2x है और कॉस x है, देखिए कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो अब क्या करें। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि साइन 2a, साइन 2a इक्वल टू होता था 2 साइन a इंटू कॉस a, तो 2a के जगह पर 2x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 साइन x इंटू कॉस x, और कॉस x हमारे पास पहले से है तो कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं, अब कॉस एक्स टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अब क्या हो गया, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो और टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो कॉस एक्स इक्वल टू जीरो का क्या मतलब था कि एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ठीक है। तो x की वैल्यू ये निकल आई, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस टू को उधर ले जाएंगे तो माइनस वन और टू अपॉन में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो साइन x इक्वल टू हो गया साइन x इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब माइनस वन बाई टू पहले देखते हैं हाफ किसकी, प्लस हाफ किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में प्लस हाफ होती है थर्टी डिग्री, पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है साइन पाई बाई सिक्स। अब देखिए इसको नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में साइन होता है, तो नेगेटिव का मतलब पाई प्लस करना पड़ेगा, तो क्या होगा पाई प्लस पाई बाई सिक्स इक्वल टू सेवन पाई बाई सिक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स इक्वल टू साइन सेवन पाई बाई सिक्स, कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जस्ट पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, आप अगर पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो ये समझ जाएंगे।
तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। ये अभी हमने फॉर्मूला किया था, तो थीटा इक्वल्स टू हमने क्या देखा था, एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन अल्फा, ठीक है, वेयर एन इज मेंबर ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो गई ये, ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन, और ये सेवन पाई बाई सिक्स, ठीक है, वेयर वेयर एन इज अ मेंबर ऑफ इंटीजर, ये आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। दो दो तीन तीन लाइन के क्वेश्चन हैं, ये बहुत बहुत ही आसान है और एग्जाम में एक जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे टैन एक्स है, ठीक है, अलग अलग है, तो क्या सेक को हम टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस टैन स्क्वायर टू एक्स और इक्वल टू वन माइनस टैन टू एक्स है, तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो क्या होगा, वन प्लस टैन स्क्वायर टू एक्स, प्लस में है तो इधर आके माइनस वन, और माइनस है तो प्लस, टैन टू एक्स इधर हो गया जीरो, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा टैन स्क्वायर टू एक्स प्लस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब हम टैन टू एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, टैन टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो क्या होगा, टैन 2x इक्वल्स टू जीरो और 2x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो टैन 2x इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस वन, ठीक है। और टैन वाले में हमने देखा है कि टैन थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो थीटा मीन्स 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x इक्वल्स टू एन पाई, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पाई बाई टू, ये आंसर हो गया। और टैन थीटा इक्वल टू, पहले हम ये देखते हैं कि ये माइनस वन किसकी वैल्यू होती है, तो प्लस वन पहले देखते हैं, प्लस वन किसकी वैल्यू होती है टेन में, 45 की, पाई बाई फोर, तो अब ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाई फोर, ठीक है, तो थ्री पाई बाई फोर, तो इसका मतलब ये हुआ कि टैन टू पाई को हम लिख सकते हैं टैन थ्री पाई बाई फोर। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यहां पे थ्री पाई बाई फोर है, तो टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस एन प्लस अल्फा मीन्स थ्री पाई बाई फोर, और यहाँ पे टू एक्स की वैल्यू है, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, टू मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो एन पाई बाई टू प्लस थ्री पाई बाई एट, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन बाई टू हम बाहर रहने दें, और यहाँ पे एन पाई प्लस थ्री पाई बाई फोर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन देखते हैं,
साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फिर हम पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग कैसे करेंगे, तो x और 5x का एवरेज निकालें तो क्या हो जाएगा 3x, तो ये आ गया, तो इसका मतलब x और 5x का पेयर करेंगे, ठीक है। तो साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू जीरो। अब ये साइन c प्लस साइन d क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, 2 साइन c प्लस d, 5 प्लस x 6x बाई 2 मीन्स 3x इंटू कॉस 5x माइनस x 4x बाई 2 मीन्स 2x, ठीक है। प्लस एक और चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि कन्फ्यूजन क्या होती है कि हमने कहा कि c माइनस डी तो x माइनस 5x बाई 2, हम इसको 5x माइनस x भी 2 ले सकते हैं दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये तो प्लस में ही, अगर 5x पहले होता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है। दूसरी बात कि cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है, इसलिए भी फर्क नहीं पड़ना था, तो माइनस साइन 3x इक्वल्स टू जीरो। तो ये 2 साइन 3x इंटू cos 5x माइनस x 4x बाई 2, तो cos 2x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू जीरो। साइन 3x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया, 3x क्या बचा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और फिर इधर दिस इक्वल्स टू दिस जीरो और दिस इक्वल्स टू जीरो, तो साइन 3x इक्वल्स टू जीरो। तो हमने क्या देखा है कि 3x इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एन पाई बाई 3। एक तो ये आंसर निकला है, दूसरा क्या है, 2 cos 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो क्या होगा 2 cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1, तो cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2। तो पहले cos में देखते हैं हाफ किसकी वैल्यू होती है, हाफ होती है वैल्यू पाई बाई 3 में, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है प्लस हाफ, ठीक है। कॉस नेगेटिव में चाहिए, तो नेगेटिव में आने के लिए या तो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे या इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो 180 माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस, और हाफ की वैल्यू कितनी बताया, पाई बाई थ्री मीन 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है माइनस हाफ। तो ये हो गया कॉस 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गया, कॉस 2x इक्वल्स टू कॉस 2 पाई बाई 3, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, क्या फॉर्मूला होता है, 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर 2 पाई बाई 3। लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल्स टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2n पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n इज द मेंबर ऑफ इंटीजर। तो एक आंसर हमारा ये निकल आया, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, एक बार घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आपको आसान लगेगा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको जरूर करिए। थैंक यू।